नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आगरा कोर्ट में राष्ट्रद्रोह की शिकायत की गई है। और सांसद कंगना रनौत के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए वाद दायर किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता रामशंकर शर्मा ने MP MLA कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह एवं राष्ट्र अपमान के आरोप में ये वाद दायर किया है। इस मामले में कंगना रनौत के खिलाफ वाद दायर करने वाले अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने बताया कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा MSP एवं अन्य मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे लोगों किसानों के प्रति बेहद अभद्र टिप्पणी कर उनको हत्यारा और बलात्कारी होने का आरोप लगाया। फिल्म अभिनेत्री मंडी से सांसद कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को किसानों के विरुद्ध में एक बहुत बड़ी अमर्यादित टिप्पणी की थी और ये कहा था कि अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक जो किसान धरने पर बैठे थे वहां हत्याएं हो रही थी, रेप हो रही थी और यहां तक कह दिया कि अगर उस वक्त देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में किसान बांग्लादेश से हालात पैदा कर देते, मतलब किसानों को उन्होंने आतंकवादी तक घोषित कर दिया। कंगना रनौत ने यह पहला अपराध नहीं किया। सन 2021 में भी 16 नवंबर 2021 को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत को गाली दी गई थी और ये कहा था कि चांटा खाने से भीख मिलती है, आजादी नहीं मिलती। और 1947 में जो आजादी मिली देश को वो आजादी महात्मा गांधी के भीख के कटोरे मिली और भीख मिली, असली आजादी तो सन 2014 मिली है। बता दें कि इस मामले में न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह ने वादी अधिवक्ता के बयान दर्ज करने के लिए 17 सितंबर की तिथि तय की है। कोर्ट में प्रस्तुत वाद में शर्मा ने कहा कि वो पारिवारिक रूप से किसान के बेटे हैं तथा वकालत से पहले कई वर्षों तक कृषि का काम किया है और ये कंगना की टिप्पणी से आहत हो चुके। वाद ने रनौत पर पूर्व में महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।